आर्थिक रूप से गरीब लोगों को नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा 10% आरक्षण। लोकसभा में 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। विपक्षी दलों ने भी किया बिल का समर्थन। लोकसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा असम में एनआरसी पर नहीं पड़ेगा असर। कांग्रेस टीएमसी सांसदों ने विरोध में सदन से किया वॉकआउट। अवैध खनन मामले में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज भी नहीं चलने दी संसद। अधूरे विधायी कामकाज को पूरा करने के लिए एक दिन बढ़ाई गई कार्यवाही। अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। 10 जनवरी को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच गठित। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को दी गई है चुनौती। और रायसीना डायलॉग में अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा शुरू। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्य हासिल करने के लिए नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने भारत का साथ बताया जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में ओशन डायलॉग शुरू करने पर बनी सहमति।